नमस्कार साथियों, दिल्ली विश्वविद्यालय के 12 कॉलेज जो दिल्ली सरकार के द्वारा 100% फंडेड हैं, उन कॉलेजों में पिछले 5-7 सालों से सैलरी की समस्या चली आ रही है। इतना ही नहीं, वहां के शिक्षकों कर्मचारियों को 3-3, 4-4 महीने तक सैलरी के लिए इंतजार करना पड़ता है। इसके पीछे की मंशा क्या है, क्या ये लड़ाई केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच की है, आइए आज हम जानेंगे इसके बारे में। हमारे साथ आज दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर डॉक्टर सीमा दास जी और डॉक्टर राजपाल सिंह पवार जी हैं, हमारे साथ आज जुड़े हैं इसमें। और मैं उनसे जानना चाहूंगा कि मौजूदा समय में क्या स्थिति है, क्या अभी भी वहां के शिक्षकों और कर्मचारियों को अपने वेतन के लिए और लंबा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं इससे पहले थोड़ा सा आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूं कि क्या वजह है कि दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 12 कॉलेज जो 100% दिल्ली सरकार से फंडिंग वहां पर होती है, ऐसा वहां क्यों हो रहा है। दिल्ली सरकार के अधीन जो 12 कॉलेज आते हैं दिल्ली विश्वविद्यालय में, उन कॉलेजों में एक कॉलेज ऐसा है जहां पर उस कॉलेज के प्रिंसिपल के द्वारा उस कॉलेज में उगाही का अड्डा बना दिया गया है। इतना ही नहीं, इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ जो मौजूदा ऑफिस है दिल्ली विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का, वहां पर इलेक्टोरल बांड की तरह वहां पर भी उगाही चल रही है। और ये जो एक राजनीतिक लड़ाई है जिसमें मौजूदा सरकारी शिक्षक संगठन एनडीटीएफ का बहुत बड़ा योगदान है, अगर ये चाहते तो ये राजनीतिक लड़ाई कब की खत्म हो चुकी होती। लेकिन इनको तो राजनीति करने में मजा आ रहा है और उगाही करने में मजा आ रहा है। और जो दिल्ली विश्वविद्यालय में 12 कॉलेज है, उन 12 कॉलेज में एक कॉलेज ऐसा है जहां के प्रिंसिपल को बचाने के लिए ये लोग अड़े हुए हैं, और उस प्रिंसिपल को बचाने के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन से वंचित किया गया है। तो आइए हम जानते हैं राजपाल सिंह जी से कि दिल्ली विश्वविद्यालय में सर एक कमेटी बनी थी, और उस कमेटी का मुख्य उद्देश्य ये था कि जो मौजूदा समस्या चली आ रही है, उस समस्या का समाधान जल्द से जल्द कैसे किया जाए। तो हम जानते हैं राजपाल सिंह जी से कि क्या उस मीटिंग्स में क्या निकल के अब तक आया है। ये जो 12 कॉलेजेस की कमेटी बनाई थी, इसका मकसद सिर्फ एक था कि किस तरह से हम जल्दी से जल्दी जो कॉलेजेस में फंड्स की दिक्कत चल रही है उसको सॉल्व करें, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। हम इसके लिए पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं, ऑल आउट जाने को तैयार हैं, किसी लेवल तक जाने को तैयार हैं, ताकि हमारे कॉलेज के किसी भी स्टाफ को, टीचिंग नॉन टीचिंग को, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जब हम मीटिंग में गए तो हम तो चाह रहे थे कि सोल्यूशन की बात करेंगे, लेकिन वहां तो जाके लगा कि सिवाय राजनीति के अलावा सब कुछ हो रहा है, सोल्यूशन की तो कोई बात ही नहीं है। हमने पहली मीटिंग में ये कहा कि वाइस चांसलर को ऑथराइज करे कि वो जाकर के सरकार से नेगोशिएट करे और वहां से पैसा लेकर के आए, उसके लिए हमारी जहां जरूरत पड़ेगी हम उनके साथ रहेंगे किसी तरह की भी मदद के लिए। ये सबसे पहले सॉल्यूशन हुआ। अब इसके बाद इन्होंने कहा कि जी एक ऑडिट के लिए हम कोई कमेटी बनाएंगे और उसके लिए जो है आप ऑथराइज कर दीजिए। हमने ऑथराइज कर दिया। जब ऑडिट की रिपोर्ट आई तो हमने कहा हमें दिखाइए क्या रिपोर्ट है। उन्होंने कहा आपको नहीं दिखाएंगे, आप इसके ऊपर साइन कर दीजिए सिर्फ। ये हमने 27 पेज का एक ड्राफ्ट लेटर तैयार किया है। अब 27 पेज का ड्राफ्ट लेटर वहां पढ़ के एकदम कैसे तैयार कर सकते हम साइन कर सकते हैं उसके ऊपर बगैर देखे हुए कैसे पढ़ सकते हैं। हालांकि मुझे उस दिन उस मीटिंग में से कहीं जाना था, तो मैंने उसे कहा कि ड्राफ्ट मुझे दे दीजिए। तो चेयरमैन साहब ने कहा कि ड्राफ्ट आपको नहीं दे सकते हम। तो ये कैसा मिस्ट्रस्ट है, हमने लिख करके दे दिया कि जब आप ड्राफ्ट हमें नहीं दे सकते तो इट इज बिलो डिग्निटी टू बी ए मेंबर ऑफ दिस कमेटी। अगर हमारे ऊपर इतना भी ट्रस्ट नहीं है, आप हमें ये कहिए हम इसको मीडिया में नहीं देंगे, हम इसको पब्लिक में सर्कुलेट नहीं करेंगे। यू मस्ट ट्रस्ट योर मेंबर्स, वी आर रेडी फॉर इट कि हम नहीं करेंगे ये सब कुछ जो था। बट ही रिफ्यूज टू गिव इट टू अस। और काफी गर्मा गर्मी के बाद जो है जब मैं मीटिंग छोड़ के जाने लगा तो उन्होंने कहा ठीक है आप लीजिए एक दिन के लिए इसको पढ़ करके वापस कर दीजिए। जबकि मैंने कहा मैं दिल्ली से बाहर जा रहा हूं तो मेरे पास टाइम नहीं है, अभी मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके लिए। इस तरह की हमारी बातचीत हुई और उसके बाद जो है आने के बाद में हमने वो ड्राफ्ट उनको वापस कर दिया। और सडनली हमारे पास जो था एक फोन आया कि आप यूनिवर्सिटी आइए और ये साइन कर दीजिए, ऐसा जो है चेयरमैन साहब ने कहा है। तो हमने कहा भाई ये साइन करने से पहले हम उसको पढ़ना चाहेंगे क्या आपने डिसाइड किया है। फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम है जो 27 पेज के लिए थी, यही लेटर के लिए। वो लेटर हमें दिखा दीजिए, हमें ईमेल कर दीजिए, हम उसको पढ़ेंगे, अगर कोई ऑब्जर्वेशन हुई तो वो आपको देंगे, उसको हम साइन कर देंगे। अदरवाइज जो हमने पहले साइन करके दिया है, अगर कोई जल्दी है तो आप इसको हमारा सिग्नेचर मान लीजिए जो हमने उस दिन लिख करके दिया था,
और आप इसको प्रोसेस कर दीजिए ताकि कोई डिले ना हो। ये हमने लिख करके दिया है बाकायदा कि हमारे सिग्नेचर जो लास्ट मीटिंग में थे उसको हमारे इसके ऊपर सिग्नेचर मान करके और आप इसको प्रोसेस करें सो दैट देयर इज नो फर्दर डिले। लेकिन ये लोग अभी भी राजनीति कर रहे हैं कि हमने साइन करने को मना कर दिया। हमने बिल्कुल साइन करने को मना नहीं किया है, हमने बगैर पढ़े साइन करने को मना किया है और वो हम कभी नहीं करेंगे बगैर पढ़े हुए किसी पेपर के ऊपर साइन। जब तक हमें ड्राफ्ट लेटर दिखाया नहीं जाता, जब तक हमें जो है ऑडिट रिपोर्ट नहीं दिखाई जाती, वो जो लेटर आप भेज रहे हैं वो हमें दिया नहीं जाता, हम उसको पढ़ेंगे, अपनी ऑब्जर्वेशन देखें और उसके ऊपर जरूर साइन करेंगे। और रही जो है फंड को दिलाने की बात, उसके लिए हम किसी लेवल तक जाने को तैयार हैं, किसी भी सरकार के खिलाफ जाने को तैयार हैं, किसी भी सरकार से नेगोशिएट करने के लिए तैयार हैं। हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी राजनीति ना करके इन टीचर्स को फंड दिलाना है, इसके अलावा हमारा कोई जो है मकसद नहीं यूनिवर्सिटी का।